कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल सभी हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आज कितनी बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है आ, हमारे हार्ट के लिए लाइफ के लिए इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल दो तो तरह के कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं इनके कंसल्टेशन पर डिपेंड करता है हमारी बॉडी हेल्थ तो यह कोलेस्ट्रॉल्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल देख सकते हैं आर्टीज़ के अंदर किस तरीके से ब्लॉक्स डेवलप कर रहे हैं और ये सबसे आज के मॉडर्न एज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी एक कॉम्प्लिकेशन अगर देखी जाए तो कोलेस्ट्रॉल ही है तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इज़ ए वैक्स कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स होता है जिसे मोम कह सकते हैं हिंदी में वैक्स फैट लाइक सबिस्टेंसिस डेट फाउंड इन द ऑल द सेल ये फैट लाइक -like जैसे चे, चे, न, फैट कहते हैं चरबी को जो अगर मटन किसी ने खाया होगा तो देखा होगा मटन के ऊपर या आपने डालडा घी देखा होगा वनस्पति घी जो होता है और उस जैसा ये एक कैम केमिकल कह लें केमिकल तो नहीं कहेंगे एक सॉलिड डेवलप कर देता है फैट लाइक सेबिस्टेंस और फैट हमेशा सॉलिड में होता है सॉफ्टनेस सॉफ्ट टाइप में होता है लेकिन ये जो मटन और चिकन के ऊपर जो फैट होती हैं जैसे कभी अगर आपने देखा होगा तो अगर हाथ से ब्रेक किया जाए तो वो फटते हैं और चिपचिपा होते हैं और उसमें आयली होता है लेकिन वो ख़त्म नहीं होते है. और सबिस्टेंसिस डेट फाउंड इन ऑल द सेल इन योर बॉडी ये क्या है फैट लाइक सबिस्टेंस डेट फाउंड इन ऑल द सेल सभी सेल में आते हैं इन योर बॉडी मीन्स हमारे बॉडी के अंदर योर बॉडी नीड्स सम कोलेस्ट्रॉल टू मेक हारमोन्स कुछ इसमें से कोलेस्ट्रॉल जो है हेल्प करते हैं हारमोन डेवलप करने के लिए और कुछ इसमें प्लॉक्स डेवलप करते हैं रीऐब्जॉर्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का जब होता है रीऐब्जॉर्बेशन जब होता है तो ये हमारे लिए इंजूरियस होता है विटामिन डी एंड सबस्टेंसेज डेट हेल्प यू डाइजेस्ट फूड ये विटामिन डी और सबस्टेंसेज डेट हेल्प डाइजेस्टिव फूड ये डाइजेस्टिव फूड में पाए जाते हैं और uh, uh, जैसे कि डाइजेस्टिव फूड uh, के अंदर ही डेवलप है जैसे विटामिन डी एंड सबस्टेंस द हेल्प यो डाइजेस्ट फूड ये सबस्टेंस जो हेल्प करता है डाइजेस्ट फूड के लिए भी करता है और विटामिन डी है अगर विटामिन डी की डिफिशेंसी होती है तो कैल्शियम मेटाबलाइज नहीं होता कैल्शियम का uh, डाइजेस्ट नहीं होता है इस तरीके से विटामिन अगर कैल्शियम की किसी की डिफेंसी हो रही है तो विटामिन डी देना जरूरी होता है या धूप में बैठना जरूरी होता है योर बॉडी मेक्स ऑल द कोलेस्ट्रॉल इट्स नीड्स और हमारी बॉडी को आ, सभी ऑल योर बॉडी मेक्स ऑल द कोलेस्ट्रॉल इट्स नीड्स तो हमारी बॉडी हर तरीके कोलेस्ट्रॉल से बनाती है और ज़रूरत भी होती है बॉडी के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल डेवलप होता है वी एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम मीट यहाँ पे क्लियर हो गया वी एब्जॉर्ज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम फ्रॉम मीट मीट से कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब फॉर्म होता है डे प्रोडक्ट्स सॉरी डेरी प्रोडक्ट्स एंड अदर एनिमल्स डेयरी प्रोडक्ट्स अदर एनिमल्स फूड्स एंड द बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल इन द लीवर एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल लीवर के अंदर प्रोड्यूस करता है हेल्दी हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लीवर और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कहां से होता है लीवर से द लीवर टू पेरिफेरल टिश्यूज एंड द लीवर टू लीवर से पेरिफेरल टिश्यूज की तरफ एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यूज टू द लीवर पहला क्या हुआ द लिपोप्रोटीन प्ले एक रोल इन द एब्सॉर्शन एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑफ डायट्री लिपिड्स बाय स्मॉल इंटेस्टाइन जो हम फूड्स कंज्यूम करते हैं जो उसमें डायट्री लिपिड्स हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए इन लिपिड फ्रॉम द लिवर और ये ट्रांसपोर्ट हुआ टिश्यूज और लीवर से जो है पेरीफेर टिश्यूज की तरफ हुआ एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड फ्रॉम पेरीफेरल टिश्यूज और ट्रांसपोर्ट हुआ लिपिड्स का फ्रॉम पेरीफेरल टिश्यूज से पेरीफेरल टिश्यूज से कहा हुआ लीवर की तरफ लीवर एंड इंटेस्टाइन की तरफ रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट और ये रिवर्स ट्रांसपोर्ट जो कोलेस्ट्रॉल हुआ ये जो हुआ ये बैड हुआ ये जो कोलेस्ट्रॉल जो री रि, रिवर्स हो रहा है ये हमारे कॉन्ड्री आर्टीज में या फिर वेन में कहीं पे भी ये डिपॉजिट हो सकते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जनरली कॉर्डरी आर्टी ब्लॉकेज

ट्रांसपोर्ट हाइड्रोफोबिक लिपिड क्या है लिपिड प्रोटीन ए बायोकेमिकल प्रोटीन जो है बायो केमिकल एसेंबल प्राइमरी फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एलडीएल डी एल कोलेस्ट्रॉल इज ऑफ्टेन कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट कलेक्ट इन द वॉल्स कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट कलेक्ट इन दॉल कोलेस्ट्रॉल कहां से कलेक्ट होता है इन द वॉल्स वॉल में से आता है ऑफ योर बॉडीज वेसेल्स बॉडी वेसेल्स के अंदर से राइजिंग योर चांस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम ये डेवलप करते हैं राइज करते हैं बढ़ाते हैं चांस मतलब मौका देते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं लाइक ए हार्ट अटैक और स्ट्रोक और इसी लाइक like, या फिर जैसे कि हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक जैसा एक आ, एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं कौन तैयार करता है एल डी एल एल डी एल क्या होता है एल डी एल कोलेन कॉल्ड इन द बैड और ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट कलेक्ट्स इन वॉल्स इन वॉल्स ये कलेक्ट्स होता है हमारी बॉडी के वेसल से हमारी बॉडी जो है उसके वेसल्स के थ्रू होता है राइजिंग इन योर चांस और ये हमारे लिए चांस हार्ट अटैक या स्ट्रोक का चांसेस बनाते हैं बट कोलेस्ट्रॉल इज ए नॉट ऑल डेंजरस बट यहां पर सारे कोलेस्ट्रॉल डेंजर्स नहीं होते योर बॉडी नीड्स इट टू प्रोटेक्ट इट्स एंड मेक हेल्दी सेल्स एंड हारमोन हमारी जो बॉडी है की जरूरत होती है नीड्स इट टू प्रोटेक्ट ये प्रोटेक्ट करते हैं इट्स नर्व नर्वस एंड मेक हेल्थी सेल्स और ये जो नर्व बॉडी जो बनाती है मेक हेल्दी सेल्स एंड हार्मोन्स दोनों बनाते हैं ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी की जो ज़रूरत है प्रोटेक्शंस की नर्स की एंड हेल्दी सेल्स की तो ये और हार्मोन की तो ये जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं और जो है जो बैड नहीं है जो गुड कोलेस्ट्रॉल्स हैं वो हमारे लिए हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन करते हैं हमारे हेल्थ हेल्दी सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड हार्मोन्स डेवलप करते हैं और नर्वस सिस्टम को भी स्टूमुलेट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डायट्री लिपिड्स अब डायट्री लिपिड्स में हो रहा है बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन अब अगर यहां पे क्वेश्चन उठता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की मेडिसिन क्या है पहले तो मुझे एब्जॉर्बेशन जो हो रहा है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रहा है तो उससे मुझे बचना है तो उसके लिए क्या है इंटेस्टाइन की मेडिसिन क्या है मालूम है या हम एक्सप्लेन करते हुए निकल जाएं? फिजियोलॉजिकल एस्टेन शायद क्लियर न हो को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि एक जगह पे मुझे कहा जा रहा है डायल्यूशन की प्रैक्टिस करो एक जगह कहते हैं कि नहीं हम फॉर्म में प्रैक्टिस करें तो ये दोनों प्रैक्टिस एन एल सिन्हा साहब की किताब या पुराने जो लोगों ने किताब लिखी है उसमें ड्राई ग्लोबल्स के लिए भी कहा है और मिक्सचर के लिए भी कहा उस मिक्सचर में डायलूशन का इस्तेमाल किया है और अगर एक्यूट केसेस है तो थोड़ी थोड़ी वक्त पे थोड़े थोड़े समय में इंटरवल पर ड्राई ग्लोबल्स को यूज करने के लिए ड्राई ग्लोबल्स का काम है बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करना ड्राई ग्लोबल्स का काम है जैसे कि